हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन केस कर्नल। दोस्तों, काफी दिनों बाद एक नया सलूशन लेकर आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, फोन केस हैदराबाद की टीम से मेरा नाम है फिरोज और मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। हमारी पूरी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक रिसर्च करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या यूएमसी और यूएफएस में, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे आप कुछ भी काम सीख करके जो भी काम आपके पास आ रहा है तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मेरे पास एक PMI 632, ये एक चार्जिंग आईसी है। जैसे कि आप जानते हैं, PMI जो आईसी होती है जनरली चार्जिंग, ग्राफिक, लाइट और फ्लैश LED वगैरह का उसमें सेक्शन होता है। लेकिन इस आईसी में अगर बात करूं फ्रेंड्स, ये PMI तो है बट इसमें आपको लाइट सेक्शन नहीं रहने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जिस भी हैंडसेट में आपको दिखेगी PMI 632, इसके साथ आपको एक लाइट एसी अलग से देखने को मिल जाएगा। शायद वो D8 हो सकता है या फिर 6 लाख का एसी हो सकता है, यूनिवर्सल एसी जो लाइट के लिए यूज होता है, या कोई और एसी भी हो सकता है। बट आज के इस वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर PMI 632 में वर्जन होता है 502, 802, 602 और 902, तो इसमें कौन सा हम उसके इंस्टेंट में डाल सकते हैं। सबसे पहले तो बात तो फ्रेंड्स, जो भी आईसी है उसके नीचे उसका वर्जन लिखा होगा तो आपको वही वाला आईसी उसमें डालना है। एमआई में काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जैसे 7A हो गया या और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें ये वाला आईसी लगा होता है PMI 632, तो उसमें आप वर्जन चेंज भी हो तो आप डाल सकते हैं। तो कौन सा वर्जन का डालें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 802 अगर से है तो आप 602 वाला आप उसके अंदर ये वाला वर्जन डाल सकते हैं PMI 632 में। अगर 502 वाला है तो उसमें आप 902 वाला डाल सकते हैं। तो मतलब MI में तो ये चल जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे मॉडल्स में अगर देखोगे फ्लैगशिप मॉडल में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है नीचे की बॉलें डिफरेंट टाइप से काम करती है, क्योंकि सेम IC तो होता है लेकिन कई बार CPU से वहां पर GR नहीं आता है, NC रखा जाता है, कई बार वहां पर आपको किसी सप्लाई GPIO वगैरह जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के लिए रखा जाता है तो वो IC प्रॉपर काम नहीं करेगा। ऐसे में GPIO लाइंस अगर से मिस हो जाएंगी तो सेक्शंस में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ग्राफिक नहीं आएगा या फिर लाइट नहीं चलेगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो GPIO पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। MI वगैरह के काफी सारे मॉडल्स में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 602 के साथ 802 डाल सकते हैं या 802 के साथ 602 डाल सकते हैं, 902 के साथ 502 डालिए या 502 वाला वर्जन है तो 902 डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इस आईसी की तरफ। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आईसी का डाटा शीट हमने बनाया है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको फोन केस हैदराबाद में आपको सीखने को मिलेगा। हमारे दोनों ब्रांचेस हैं, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हमारा ब्रांच है, वहां पर भी हमारी काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, काफी सारी टीम है, वहां भी जा सकते हैं आप। अक्टूबर 10 से वहां पे बैच स्टार्ट है और अक्टूबर 27 से हैदराबाद में हमारा यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी एक टीम है, यहाँ पे भी आपको पूरा एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे काम सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ये वाला वर्जन तो आप चेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या क्या सप्लायर कब इनपुट होगी, क्या है, ये सारी चीज देखते हैं। और इस आईसी को अगर आप देखोगे तो क्वालकॉम जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने PMI 632 ये देख सकते हैं इस तरीके का नंबर लिखा होगा और वर्जन यहाँ पे लिखा होगा आपको 502 जो देख रहे हैं, यहाँ पे 602, 802, 902 इस तरह का और भी वर्जन आते हैं, तो इसमें आप 902 वाला अगर डालना है तो डाल सकते हैं, मगर ओप्पो वीवो के सेट्स हो तो सेम वर्जन वाला ही यूज करें। अब ये आईसी जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये जो आईसी यूज किए यहाँ पर चार्जिंग के लिए और ग्राफिक के लिए, तो अब इसके अंदर क्या क्या सप्लाई होती है मैं आपको चार्जिंग के रिलेटेड यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका डाटा शीट यहाँ पे बनाया है। अब कभी टाइप सी भी इस्तेमाल होगा, कभी इसमें यूनिवर्सल भी चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप सी होगा तो जैसे कि आप जानते हैं CC1 और CC2 की सप्लाई होती है, उसके साथ CC out की सप्लाई CPU में जाती है। तो इसमें फ्रेंड जब CC1 वर्क करता है तो CC2 जब ऑफ रहेगा और जब CC2 वर्क करेगा तब CC1 ऑफ रहेगा। तो जैसा आप चार्जर लगाओगे उसी तरीके से वो काम करेगा। जैसे रेफरेंस आपको पता ही होगा CC1 CC2 में अगर आप देखोगे तो 0.3 से लेकर के आपको वहां पर 1 वोल्ट के आसपास वहां पे वोल्टेज मिलता है। जिस साइड आपने चार्जर लगाया है टाइप सी का, उसका उस कॉन्फ़िगरेशन, सीसी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन पिन, जो कि हमारी नॉर्मल चार्जर में हम उसको आईडी की पिन बोलते हैं, USB ID, नीचे आपने लगाया क्या है, फास्ट चार्जर लगाया है, कितने एम्पियर का आपने चार्जर लगाया है या नॉर्मल चार्जर आपने लगाया है, लैपटॉप के साथ आपने कनेक्ट किया है, OTG आपने कनेक्ट किया है, माउस आपने कनेक्ट किया है, आपने नीचे क्या कनेक्ट किया है, यही लाइन से इस आईसी को पता चलता है कि नीचे हमने लगाया क्या है।
तो फ्रेंड्स CC1 CC2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होती है जो कि टाइप सी में होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा टाइप सी का कनेक्टर अभी आईफोन वगैरह में भी यूज कर रहा है, आईफोन 15 वगैरह में, तो एंड्रॉइड के साथ साथ भी आईफोन में भी आपको सीसी टाइप सी का चार्जर देखने को मिलेगा। ये नया अपडेट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आईसी को सबसे पहले एक वी बस की सप्लाई देनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप चार्जर लगाओगे तो यहाँ से आपका 5 वोल्ट वी बस का इस आईसी में, यहाँ पे देख सकते हैं 3 गोले यहाँ पे इसमें इन हो जाता है। अगर आप डायग्राम में भी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका लेआउट है। जैसा कि देख सकते हैं आईसी का नंबर हम निकाल लेंगे 1101 और यहाँ से हम आ जाएंगे डायग्राम में जाएंगे और इसी आईसी को हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ये हमारा PMI 632 है। यहाँ पे नीचे अगर आपको देख रहा होगा PMI 632, तो ये आईसी में अगर आप देखोगे तो जैसे आप चार्जर लगाओगे वीबस का वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट एक कैपेसिटर के थ्रू जो कि यहाँ पे 4.7 माइक्रो हेनरी का माइक्रो फराड का कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गोलों में ये इन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 3 बॉल पे, मतलब 1 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट पहले मिलने चाहिए। इन तीनों वोल्ट में अगर आप चेक करोगे तो 5 वोल्ट जाना चाहिए और इसका वोल्टेज जब आईसी लगी होगी तो हम इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं कि इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इनपुट सप्लाई है, जैसे ये इन हो जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप देखोगे तो USB MID के नाम से या PMID या VMID के नाम से यहां पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये 5 वोल्ट फ्रेंड्स यहाँ पे यहां से सेकेंडरी चार्जिंग एसी अगर इसमें होगी SMB होगी तो वहां पे उस आईसी को एक्टिवेट कराने के लिए PMID का 5 वोल्ट वहां पे जाता है। या फिर किसी किसी में आपका जो फ्लैश स्ट्रोब आईसी होती है हमारी जो कि फ्लैश LED के लिए होती है वहां पे भी यही 5 वोल्ट जाता है। और जब आपका रिवर्स में आप जब OTG वगैरह कनेक्ट करते हो तो यही 5 वोल्ट जनरेट होकर के वापस से आपका आपके चार्जिंग सीसी पे आता है 5 वोल्ट। तो इसके बारे में डिटेल क्लास होती है, पूरी लाइव हमारे क्लास में इंस्टीट्यूट में सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो ये तो चार्जिंग एसी हो गई फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं CC1 CC2 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा, CC out की लाइन इसमें यूज नहीं की गई है, CC2 की भी लाइन यूज नहीं की गई है। सिंपली सी समझ में आ रहा है कि इसमें USB टाइप सी नहीं है बल्कि नॉर्मल जो 5 पिन वाला चार्जिंग पिन होती है वही इसमें यूज की गई है। तो यहाँ पे भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि टाइप सी का चार्जर है कि नॉर्मल चार्जर इसमें यूज की गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं CC1 के बाद ID लिखा हुआ है और अगर आप यहाँ पे आउटसाइड में देखेंगे तो USB ID लिखा है। तो USB कनेक्टर होता है, चार्जिंग पिन जो होती है वहीं से सप्लाई आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं 0 ओम्स का रेजिस्टर लगा करके यहाँ तक इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे आप चार्जर लगाओगे तो इसी लाइन से पता चलता है कि आपने नीचे चार्जर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये लाइन हमने यहाँ पर भी बना दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं USB ID यहाँ पे CC1 CC2 के बाद चार्जिंग पिन से वही DMDP की सप्लाई यहाँ पे आएगी। 2 गोले यहाँ पे होंगे तो उसको भी हम यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं DMDP और यहाँ पे USB HS DM डिटेक्शन। तो डाटा माइनस डाटा प्लस जो है वो CPU में भी ये लाइनें जाती है ताकि आप सॉफ्टवेयर कर सके, फ्लैशिंग कर सके और उसमें से डाटा आप निकाल सके, कुछ वीडियो डाल सकते हो, फोटोज निकाल सकते हो। यही वो 2 लाइन है जो कि CPU के साथ भी कनेक्ट होती है और बीच में आपको यहाँ पर 1K 2K के रजिस्टर मिल सकते हैं बीच में, क्योंकि आपको पता ही होगा फास्ट चार्जिंग में DMDP की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चार्जर लगाते हो तो ये दोनों लाइन शॉर्ट हो जाती है, जैसे आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाली है, जाकर के देख सकते हैं और अच्छे से सीखना है तो फोन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फास्ट चार्जिंग में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हम लाइव क्लास में स्टूडेंट को चेकिंग में बताते हैं, थ्योरी में बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं। तो ये सारी चीज है, ये दोनों लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी आईसी के साथ KYPD ऑन ऑफ यानी पावर की सप्लाई। KYPD जहां भी लिखा रहेगा कीपैड पावर इसका फुल फॉर्म होता है, ये ऑन ऑफ की सप्लाई भी इसके साथ जुड़ी होती है जैसे यहाँ पे हमने बनाया, और यही सप्लाई आपकी पावर के साथ भी जुड़ी होती है, तो ये भी एक चीज इसमें है। इसके बाद इस आईसी में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो SPMI लॉजिक सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस जो कि क्लॉक डाटा की सप्लाई होती है CPU के साथ जुड़ी होती है। जब आप जैसे ही चार्जर लगाओगे इसी सप्लाई से डिस्प्ले में आपका लोगो शो होता है चार्जिंग का, और यही वो लॉजिक सप्लाई है क्लॉक की और डाटा की, इसको हम सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस बोलते हैं। ये अगर खराब हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। ये CPU से सप्लाई आती है और यहाँ पे CPU से सिग्नल देखने को आपको मिलेगा। अगर आप DSO है आपके पास तो आप यहाँ पे
डीएसओ से सिग्नल चेक कर सकते हैं। सारा चीज हम लाइव क्लास में बताते हैं कि डीएसओ का इस्तेमाल कहां कहां पे कौन से सिग्नल को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, यही वाला मैं आपको बता देता हूं इस वाले सेक्शन में। यहां पे तो देख रहे हैं आप, यहां पे इसकी में लॉजिक नहीं है, इसके नेक्स्ट वाले पेज में मिलेगा आपको। जैसे कि ए नंबर में आपको देखने नहीं मिला, उसको कंट्रोल सेक्शन बोलते हैं। चलिए एफ वाले में अगर जैसे देख रहे हैं आप, तो ये ग्राउंड की पिन है, ये सारा पिन ग्राउंड मिलेंगे आपको। इसके बाद अगर देखोगे तो ये जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट सप्लाई है, फ्लैश स्ट्रोब हो गया या बोर्ड आईडी हो गया, ये बोर्ड आईडी की सप्लाई होती है। इसके बाद और भी आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं डिस्प्ले सेक्शन है ये, जैसा कि आप समझ में आ रहा होगा वीडीडी एमआईडी वगैरह यहाँ लिखा है, जो कि प्लस फाइव माइनस फाइव वीएसपी वीएसएन की भी सप्लाई इसी आईसी से बनती है। और ये प्लस फाइव माइनस फाइव अगर से यहाँ से बनकर आउट नहीं होगा वीएसपी और वीएसएन, यानी यहाँ पे नेगेटिव 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट मिलेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो ग्राफिक आपका नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। ये बनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एलयू भी 15 वोल्ट का आईसी यूज नहीं किया गया है, पीएमआई 632 से ही आपको इसमें ग्राफिक के सप्लाई बनाई जा रही है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है, जिसमें आपको देखने मिलेगा यहाँ पर एक वीआईओ का LDO 5 पावर आईसी से 5 वोल्ट, यहाँ 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे आता है LDO 5 से। ये पावर की सप्लाई है जो कि 2 नंबर के साथ कनेक्ट है। और इसके बाद अगर देखेंगे पीएल होल्ड की सप्लाई, पावर सप्लाई होल्ड जिसे हम कहते हैं, ये सीपीयू से आती है हमारी सप्लाई। जब आपको आईसी के सारे वोल्टेजेस को स्टेबल करना होता है तो यहाँ पर पीएल होल्ड की सप्लाई आपको देखने मिलती है। और अगर से ये सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स पीएल होल्ड का, मतलब आपका पावर एसी से ये आपका सारा सप्लाई सीपीयू से आता है। यहाँ पे आप देखोगे पावर ऑन रीसेट के नाम से, ये जो आईसी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 11001, अब इसमें आपको यही आईसी है पीएमआई 632 ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एसपीएमआई लॉजिक हमारा 43 और 34 नंबर पे देखने मिलेगा। तो एसपीएमआई लॉजिक यहाँ पे देख सकते हैं, क्लॉक का सप्लाई और डाटा का सप्लाई जो कि सीपीयू से आता है, जो कि इस आईसी को जैसे आप चार्जर लगाओगे इसी दो सप्लाई से चार्जिंग आईसी को डाटा मिलता है कि नीचे चार्जर लग चुका है, और चार्जिंग आईसी यहां से वोल्टेजेस आउटपुट करती है, तब आपका डिस्प्ले में लोगो आता है या परसेंटेज शो करता है। तो ये हमारा पीएमआई 632 आईसी है। और ये आईसी में फ्रेंड सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जब ये आईसी सही होती है सारे वोल्टेजेस बना लेती है तो सिस्टम ओके केबल पावर या पावर ग्रिड के नाम से, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है डाटा आपको बताने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन, ये देख सकते हैं सिस्टम ओके केबल पावर, ये आपका पावर एसी को जाती है सप्लाई, उसके बाद पावर एसी एक्टिवेट होता है। तो अगर ये सप्लाई यहाँ से निकलकर पावर तक नहीं पहुंचेगी तो पावर एसी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि पावर एसी को वीपीएच भी मिलना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर वीबस का वोल्टेज इसमें इन हो जाता है, यहाँ से आउटपुट में आपको पीएमआईडी के पास 5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बूट कैपेसिटर जिसको हम बीटीएसटी बूटस्ट्रैप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक तरफ 8 वोल्ट एक तरफ 4 वोल्ट देखने मिलेंगे। और यहाँ पे आपको स्विचिंग भी होती है दोनों साइड से, एक तरफ से रेफरेंस स्विचिंग होती है एक तरफ से स्विचिंग होती है। यहाँ पे भी आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करना है सारा चीज हम क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट को बताते हैं। और यही वो लाइन है हमारी वीपीएच लाइन, जो कि यहाँ से निकल करके पावर में जाती है, लाइट आईसी हो गया वहां पे जाती है, ग्राफिक हो गया उसके लिए सप्लाई जाती है, यहाँ से निकल के 4GPA 2GPA ऑडियो आईसी रिंगर आईसी काफी सारे जगह पे वीपीएच लाइन जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो डाला है हमारे चैनल पर, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए ये वोल्टेज कहाँ कहाँ पे जाता है। और अगर अच्छे से सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। तो फ्रेंड ये वीपीएच सप्लाई इस कॉइल के थ्रू पावर एसी में जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे SW जहां भी लिखाई है होती है स्विचिंग, यहाँ पर आप डीएसओ से चेक कर सकते हैं कॉइल के पास स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई एम्पीयर की सप्लाई बनाई जाती है, जो कि वापस बनने के बाद आईसी में वापस आती है वीपीएच के नाम से, वोल्टेज फॉर पावर। वापस आने के बाद यहीं से वीबैक के लिए वोल्टेज निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वीबैक का वोल्टेज आपको तब देखने मिलेगा जब आप बैटरी आईडी कनेक्ट करेंगे, मतलब बैटरी आप कनेक्ट करोगे तो बैटरी आईडी लाइन से बीच में 1K का रजिस्टर के थ्रू इसी आईसी में सप्लाई जाती है हमारी। और बैटरी थर्मल की भी लाइन देखोगे तो आप इसी आईसी के साथ कनेक्ट है, और इसमें 100K का एक रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी आईडी लाइन हो गई, बैटरी थर्मल लाइन हो गई, या बैटरी की पॉजिटिव लाइन, बैटरी की नेगेटिव लाइन हो गई, या क्लॉक डाटा की सप्लाई हो गई, फ्यूल गेज की सप्लाई हो गई, बहुत सारे अलग अलग आईसियां होते हैं चार्जिंग के लिए। 5G में कुछ अलग सर्किट आ रहा है, 4G में कुछ अलग आ रहा है। तो ये सारा कुछ रिसर्च हम स्टूडेंट्स को देते हैं, बहुत इजीली वो काम कर लेते हैं। हमारा रिसर्च किया हुआ डाटा सारा स्टूडेंट को मिलता है, ये किस तरीके से बनाना है ये आपको सिखा देंगे। अगर आपको प्रॉपर सीखना है, सिर्फ टीचर के लिए क्लैप्स नहीं मारना है, बल्कि खुद काम करके कस्टमर से पैसा अर्न करना है,
एक अच्छी नॉलेज लेनी है, एक समझ के काम करना है, तो फोन फिक्स हैदराबाद जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बैटरी वीबैट की जो चार्ज आउट की लाइन होती है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंसिंग लाइंस होते हैं, जिसमें आपको बीच में देखने को मिल जाएंगे सेंसर पैड्स, तो वो भी यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा इसमें वीबैट सेंस और नेगेटिव सेंस भी आता है, जो कि हम यहाँ पे आपको डायग्राम में बताएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो इस आईसी को जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, फ्लैश स्ट्रोब का भी सेक्शन है इसमें फ्लैश लाइट का। यहाँ पे अगर आप देखोगे वीबैट सेंस क्वालिटी 74 पे देखने मिलेगा आपको, और वीबैट पैक सेंस माइनस, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई है, मतलब ये एक सेंसिंग है माइनस और पॉजिटिव, जो कि बैटरी की सेंसिंग होती है, जो 74 और 75 पे कनेक्ट होती है। इसमें तो इन्होंने दो लाइनें ही कनेक्ट की है, लेकिन अगर आप दूसरे पावर देखेंगे उसमें चार चार पांच पांच लाइनें कनेक्ट होती है, और इन लाइनों में प्रॉब्लम आ जाए तो सेट आपका बैटरी से ऑन नहीं होगा, चार्जर लगाओगे या ऑन करोगे सिर्फ और सिर्फ लोगो आकर जाएगा। फ्रेंड ये सेंसिंग की लाइनें होती है, बहुत सारा में डीबग बोर्ड इस तरह से लिखा देखने मिलेगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर के एरर्स होते हैं, अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है तो सॉफ्टवेयर के एरर्स आ जाते हैं, जैसा सीपीयू ड्राइव आउट हो जाता है तो सिस्टम इजंट रेस्पॉन्डिंग करके आपको देखने का मैसेज मिलेगा, बहुत सारे एरर्स आते हैं, चार्जिंग एरर आता है, या फिर प्लीज कॉन्टेक्ट सेल सर्विस इस तरह के एरर्स आते हैं बहुत सारे, प्लीज अनप्लग द चार्जर रिमूव द चार्जर इस तरह के एरर्स आते हैं, टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई, तो ये सारे चीज होती है। स्टेप बाय स्टेप क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एक एक लाइन का क्या प्रॉब्लम है, किससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चेक करना है, वोल्टेज कितना आना है, और बाद में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है, डिवाइडर सर्किट क्या होता है, एम्पियर कैसे बढ़ रहा है, बैटरी कैसे चार्ज हो रही है, कब चार्ज हो रही है, बैटरी कनेक्टर पे कभी वोल्टेज आते हैं कभी नहीं आते हैं, आते हैं तो क्यों आते हैं, नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आ रहे, रीजन क्या है, बैटरी लग रही है तब क्या हो रहा है, निकल रही है तो क्या हो रहा है, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं पीएस होल्ड का जो सप्लाई होता है सीपीयू से यहाँ पे कनेक्ट होता है, बीच में एक टेस्ट पॉइंट भी मिलेगा आपको इस आईसी में, ये सारी चीज है सिस्टमेटिक यहाँ पे बनाया है। अब रही बात फ्रेंड्स बूट पावर, जो बूट पावर का 5 वोल्ट देख रहे हैं आप, अगर एसएमबी होती है या कोई और सेकेंडरी चार्जिंग एसी होती है तो यहाँ से बूट पावर का 5 वोल्ट उसके लिए इनपुट सप्लाई बनाई जाती है, बट जिसमें नहीं है तो उसमें वहां पे आपको कोई चेकिंग करनी नहीं है, बस 5 वोल्ट मिल रहा है तो बस है, वहां से कहीं वो वोल्टेज जाता नहीं है। अब इम्पोर्टेंट वोल्टेज एक और है वीएआरबी का, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 वोल्ट के लगभग लगभग आसपास मिलेगा वीएआरबी का भी वोल्टेज। देखिए आप अगर ये वाला कैपेसिटर वीएआरबी का लीकेज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो यहां से वीपीएच का सप्लाई आपका आउट नहीं होगा। फ्रेंड्स ये सारी चीज है, और भी अगर डीपली सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए। नेक्स्ट बैच हमारा 27 अक्टूबर से है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।